आखिर किसने किया रोमन रेंस के ऊपर जानलेवा हमला स्मैकडाउन लाइव के बैक स्टेज में, और कौन है वो देखेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, कई दिनों से आपको हमारे चैनल पर वीडियोस देखने के लिए नहीं मिल रही, उसका कारण यही कि मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लाने वाला हूँ। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, और आपके लिए जो काम कर रहा है वो पूरा होने के बाद आपको रेगुलर वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी चैनल पर। तभी भी मैं रेगुलर वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगा, कृपया हमारे चैनल पर बने रहिए। तो गाइस चलिए बात कर लेते हैं रोमन रेंस के ऊपर, अटैक किसने किया स्मैकडाउन लाइव के बैक स्टेज, और कौन है वो शख्स, यानी कि किस सुपरस्टार ने अटैक किया है रोमन रेंस के ऊपर। चार सुपरस्टार के नाम सामने आए हैं और हमें लगता है कि उन्हीं चारों में से किसी एक ने जानलेवा हमला किया होगा रोमन रेंस के ऊपर, और उन चारों में से एक ऐसा सुपरस्टार भी है कि उसके खिलाफ सबूत भी मिले हमें। तो नंबर एक से शुरू करते हैं, सेड्रिक एलेक्जेंडर। तो गाइस हम हाल ही में देख रहे हैं रॉ में सेड्रिक एलेक्जेंडर और रूसोस रोमन रेंस की काफ़ी सपोर्ट में लगे हुए हैं, और उनके साथ सेड्रिक एलेक्जेंडर ही ज़्यादा ही रोमन रेंस के सपोर्ट कर रहे हैं। और सेड्रिक एलेक्जेंडर का कोई मैच भी फिक्स नहीं हुआ है समर स्लैम के लिए। ऐसा हो सकता है कि सेड्रिक एलेक्जेंडर ने अटैक किया होगा रोमन रेंस के ऊपर, लेकिन उसके काफ़ी कम चांसेस है। नंबर दो की तरफ बढ़ते हैं, ड्रू मैकइंटायर। तो गाइस जब से रोमन रेंस लुकी में से अपनी वापसी की है तब से हम देख रहे हैं ड्रू मैकइंटायर रोमन रेंस के फ्यूट में होते ही होते हैं। रेसलमेनिया 35 में उनका मैच भी होता, रोमन रेंस वो मैच जीत भी गए थे, तभी भी ड्रू मैकइंटायर उनके फ्यूट में शामिल होते ही है। जैसे कि हमने मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखा रोमन रेंस वर्सेस समोजो के बीच हमें समोवन समिट देखने को मिलने वाला था, लेकिन उस समोज समिट हमें देखने को नहीं मिला, हमें दोनों का ब्रॉल देखने को मिला, यानी कि हमें रोमन रेंस और समोजो की फाइट देखने को मिल रही थी, उसी के बीच से ड्रू मैकइंटायर भी आ जाता है। और गाइस पॉसिबली मुझे लगता है कि ड्रू मैकइंटायर अटैक कर सकते हैं जानलेवा हमला रोमन रेंस के ऊपर, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। नंबर तीन पर आ रहे हैं समोजो। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोमन रेंस और समोजो के बीच हमें समोवन समिट देखने को मिलने वाला था, लेकिन वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिली, उनका ब्रॉल देखने को मिला रोमन रेंस और समोजो का। और समोजो की कोई भी मैच नहीं है समर स्लैम में, और समोजो ये हरकत कर सकते हैं रोमन रेंस के ऊपर जानलेवा हमला करने की। गाइस मुझे 50-50 चांस लगता है कि समोजो अपोनेंट हो सकते हैं रोमन रेंस के समर स्लैम में। नंबर फोर पर आता है फॉर्मर क्रूसरवेट चैंपियन बड़ी मर्फी। नंबर फोर पर जो सुपरस्टार आ रहा है उसके खिलाफ हमें सबूत भी मिले, और वो है फॉर्मर क्रूजरवेट चैंपियन बड़ी मर्फी। 205 लाइव से स्मैकडाउन लाइव में आ चुके हैं बड़ी मर्फी, और बड़ी मर्फी हमें किसी भी फ्यूट और टाइटल पिक्चर में देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। और गाइस मैं आपको कहूँ कि बड़ी मर्फी ने ही अटैक किया है रोमन रेंस के ऊपर जानलेवा स्मैकडाउन लाइव के बैक स्टेज पर, तो आप विश्वास नहीं करेंगे। तो आप ये इमेज देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, रोमन रेंस खड़े हैं, उसके पीछे आपको बड़ी मर्फी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि वो फ़ोटो क्लियर नहीं आया क्योंकि इस तरह की टी शर्ट बड़ी मर्फी पहनते हैं, और बड़ी मर्फी के अलावा हमें कोई और सुपरस्टार देखने को नहीं मिल रहा है बैक स्टेज, और वो पॉसिबली मुझे लगता है कि बड़ी मर्फी ही होने वाला है रोमन रेंस के अपोनेंट समर स्लैम में। क्योंकि गाइस आज के स्मैकडाउन लाइव में रोमन रेंस अनाउंस करने वाले थे अपना समर स्लैम अपोनेंट, लेकिन उससे पहले ही जानलेवा हमला हो गया था रोमन रेंस के ऊपर। इसके लिए रोमन रेंस ने अपना अपोनेंट भी अनाउंस नहीं किया और चले गए वहाँ से। तो बस आज की वीडियो इतनी सी थी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो के नीचे लाइक किए बिना तो कहीं मत जाना, साथ ही साथ कमेंट करके आप लोग हमें बताना कि इन चारों सुपरस्टार में से आपको कौन लगता है कि रोमन रेंस के ऊपर जानलेवा हमला कर सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अब तक के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।